तो इस फेस्टिव सीजन में मैं आपके लिए लाई हूँ 3 इजी एंड कलरफुल किचन DIYs। हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमरीन्स क्रिएशन। माई सेल्फ अमरीन। मैं इस चैनल पे DIYs, होम डेकोर एंड बजट मेकओवर वीडियोस बनाती हूँ। बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपलोडिंग वीडियोज। नाउ विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट DIY के लिए मैंने लिया है ये पुराना कटलरी होल्डर जो कि स्टील का है। काफ़ी टाइम से मैं इसे पेंट करने का सोच रही थी, तो फाइनली आज मैं इसको रिवैम्प करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने इस पर जो कोट अप्लाई किया है वो जेसो का है, आप होममेड जेसो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं इस पर वाइट एक्रेलिक कलर अप्लाई करूँगी। मैं यहाँ पर स्पंज का यूज़ कर रही हूँ, हम ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं बट पेंट करते टाइम ब्रश के स्ट्रोक्स रह जाते हैं जो कि विजिबल हो जाते हैं बाद में। बेटर है कि आप स्पंज ही यूज़ करें बेटर फिनिशिंग के लिए। पेंट हो जाने के बाद हम इसे कम्प्लीटली ड्राई होने देंगे। अब हमको जिस जगह पर पेंट नहीं करना है उसे हाइड करने के लिए उस जगह पर हमको मास्किंग टेप लगाना है अच्छे से। अब हम अपने चॉइस का कोई भी एक कलर ले लेंगे। स्पंज की हेल्प से डैब करते हुए अच्छे से पूरे सरफेस को कवर करना है क्योंकि हम फेस्टिवल के लिए DIYs बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर वाइब्रेंट कलर ही यूज़ करेंगे। ये जो मैंने कलर यूज़ किया है उसका नाम है डीप ब्रिलियंट पर्पल कलर। आप कोई भी अपना फेवरेट कलर ले सकते हैं। एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है देन इसे कम्प्लीटली ड्राई होने देंगे। उसके बाद आपको मास्किंग टेप रिमूव करना है। आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है इस तरह से अगर हम कलर अप्लाई करते हैं तो। नेक्स्ट स्टेप में हमको गोल्डन एक्रेलिक कलर को ब्रश के हेल्प से स्पंज पर अच्छे से स्प्रेड करना है। देन इसे स्पंज से अब हम कलर वाले पार्ट को इस गोल्डन कलर से हाईलाइट करेंगे। तो इस तरह से हम पूरे कलरफुल सरफेस पर गोल्डन कलर अप्लाई कर देंगे। लास्ट पे कलर्स को सील करने के लिए मैंने यहाँ पर ये लिटिल बर्डी का डेको वॉर्निश यूज़ किया है। आपको ब्रश की हेल्प से पूरी सरफेस पर अप्लाई कर देना है अच्छे से। इस वॉर्निश की सबसे अच्छी बात है कि ये ड्राई होने में टाइम नहीं लगाता है, जब तक कि आप पूरा फिनिश करेंगे ये ड्राई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितने ही ईजिली हमने इसे रिवैम्प कर दिया है, बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगा है। तो आप इसे एज अ कटलरी होल्डर यूज़ कर सकते हैं या फिर एज अ प्लांटर भी यूज़ करिए, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो सेकंड DIY के लिए मैं यहाँ पिकल जार यूज़ कर रही हूँ। बेस में मैंने जैसो अप्लाई किया है, उसके बाद वाइट एक्रेलिक कलर अप्लाई कर दिया था। कम्प्लीटली ड्राई हो जाने के बाद हमको बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स बनाना है, तो मैंने फ्लावर्स बनाने के लिए ब्लू, येलो एंड रेड कलर लिया है एंड फिनिशिंग के लिए डिफरेंट कलर अप्लाई किए हैं। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो पेंट कर रही हूँ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, फ्री हैंड में यहाँ पर पेंट कर रही हूँ। इसके लिए आपको परफेक्ट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस एक बार ब्रश उठाइए एंड डू योर बेस्ट।
एक बार सारे फ्लावर्स बन जाएंगे देन हमें बहुत सारे स्टेम्स एंड लीव्स बनानी है। तो यहाँ डार्क ग्रीन कलर में यूज़ कर रही हूँ, फिनिशिंग के लिए वाइट एक्रेलिक कलर लिया है। तो इस तरह से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप मैं ऑरेंज एंड वाइट कलर को ब्लेंड करते हुए जार के टॉप एंड बॉटम एरियाज पर अप्लाई किया है। तो कम्प्लीटली ड्राई हो जाने के बाद अब हम जार के टॉप एंड बॉटम पार्ट को गोल्डन कलर से हाईलाइट करेंगे। कुछ इस तरह से फिंगर से रब करते हुए अप्लाई करना है। लास्ट पे कलर्स को सील करने के लिए मैंने यहाँ पर ये लिटिल बर्डी का डेको वॉर्निश यूज़ किया है। आपको ब्रश की हेल्प से पूरी सरफेस पर अप्लाई कर देना है अच्छे से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा सेकेंड DIY भी बनकर रेडी है। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थर्ड DIY के लिए मैंने अगेन यहाँ पर एक पिकल जार ले लिया है, जिसे मैंने जेसो के बाद वाइट एक्रेलिक कलर से पेंट किया था। अब इस जार पर जो डिज़ाइन बनी हुई है मैंने उसे ग्रीन कलर के दो शेड में पेंट किया है। अब हमको सेंटर में कुछ फ्लावर्स बनाना है, जिसके लिए मैंने रेड कलर लिया है एंड फिनिशिंग के लिए वाइट कलर। आप कोई भी कलर ले सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। एक बार फ्लावर्स बन जाने के बाद मैंने इन फ्लावर्स को ग्रीन लीव्स से डेकोरेट कर दिया है। तो कम्प्लीटली ड्राई हो जाने के बाद अब हम जार के टॉप एंड बॉटम पार्ट को गोल्डन कलर से हाईलाइट करेंगे। कुछ इस तरह से फिंगर से रब करते हुए अप्लाई करना है एंड सबसे लास्ट में वॉर्निश का एक कोट अप्लाई कर देना है। तो आप देख सकते हैं कितने ही इजीली हमने इसे रिवैम्प कर दिया है, बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगा है। तो आप इसे एज अ कटलरी होल्डर यूज़ कर सकते हैं या फिर एज अ प्लांटर भी यूज़ करिए, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। इफ येस टू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय।